स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने YouTube चैनल ऑल इन वन चैनल में। बाइक टूर की फर्जीवाड़े के खिलाफ फिर फिर होंगे उठी दोस्तों आप लोग आवाज। न्यूज, और ये न्यूज है हमारे पास 19 अक्टूबर यानी 19 अक्टूबर 2019 की न्यूज है। और ये न्यूज पहुंच रही है दोस्तों हमारे पास हिमाचल दस्तक जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से, और इसके डिटेल्स में जानेंगे दोस्तों। पढ़ते हैं इस न्यूज़ को पूरी, नहीं रही वीडियो में, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि असली मुद्दा क्या है और क्या हुआ इसमें। उससे पहले दोस्तों जो भी चैनल में आया है नया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह की अपडेट देखने के लिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा दें जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ज़्यादा न करते हो दोस्तों मुद्दे की बात पर चलते हैं। अब 71 लोगों ने कंपनी के खिलाफ की लिखित शिकायत DGP को भेजी। हिमाचल दस्तक ब्यूरो की तरफ से पांवटा साहिब से, पांवटा साहिब में देश भर के भोले भाले निवेशकों को ठगने के लिए समय समय पर कई फर्जी व पोंजी स्कीमों वाली कंपनियां आती जाती रहती हैं। इसी क्रम में गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर दादरी की बाइक रूट कंपनी द्वारा देश भर समेत हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब से सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पने का मामला सामने आया निराश है। और मायूस होकर पांवटा साहिब के 71 से अधिक लोगों ने प्रदेश के पुलिस उच्च अधिकारियों को विगत दिनों लिखित शिकायत भेजकर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस मामले में संजय भाटी इस कंपनी का मुख्य निदेशक था। इस कंपनी के ठगने का तरीका एकदम नया हुआ सुनियोजित था। महज 61,200 रुपये निवेशकों से लेकर उसकी बाइक को टैक्सी के तौर पर महानगरों में चलाए जाने तथा एक वर्ष में पैसा दोगुने करने का प्रलोभन व प्रपंच रचा गया था। देश भर में NCR समेत कई शहरों में यह सेवा लॉन्च की गई थी। वह मोबाइल ऐप के द्वारा ग्राहकों को मोबाइल टैक्सी सेवा भी भेजी गई। लाखों निवेशकों को इस में पैसा लगाने के लिए कई तरीके से आमंत्रित किया गया। प्रलोभन देने के लिए यह कंपनी एजेंट को महंगी गाड़ियों व बाइक आदि गिफ्ट करती थी। वह रातों रात बिना मेहनत के अमीर बनने का प्रलोभन देती थी। पांवटा साहिब समेत देश भर के कई सैनिक परिवार, आम आदमी, व्यापारी व गरीब तबका भी इस कंपनी के झांसे में आकर अपनी मेहनत के करोड़ों इस रुपए दौरान डुबा हिमाचल चुका है। प्रदेश पुलिस अधिकारियों को सौंपे गए शिकायत पत्र लेकर कई पीड़ित सामने आए, जिनमें मुख्यतः शंकर दत्त, बलविंदर सिंह, संजीव कुमार, सतीश कुमार, छतर सिंह, नरेश तोमर, विपिन कुमार, किरण वाला, जगमाल सिंह, अक्षय कुमार, लायक राम, संगीता, सुरेंद्र, सुशील कुमार, प्रतिभा देवी, रेखा आदि समेत लगभग 71 लोगों ने DSP पांवटा सोमदत्त को मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा और पुलिस के उच्च अधिकारियों से शीघ्र ही छानबीन कर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई तो है। दोस्तों तो ये न्यूज़ था, लोगों को पता ही है इसकी कहानी, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।